हाय इन्वेस्टर्स वेलकम टू एस तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी की बात करेंगे विच इज़ एक्चुअली पॉइस टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट एंड यहाँ पे एक टिक्निकल अपटिक भी आ सकता है इस कंपनी की परफॉर्मेंस में बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल बताऊँगा जो चार्ली मगर बार बार हमें अपनी बुक में भी देते हैं मेंटल मॉडल का क्या नाम है इंसेंटिव कॉज बायस इंसेंटिव कॉज बायस हमें क्या बताती है कि ऑल इंडिविजुअल मानी सबके पास कोई ना कोई इंसेंटिव है कोई चीज करने का तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक थी जेरोक्स. तो जेरोक्स ने एक प्रिंटर का ब्रांड न्यू मॉडल ब्रांड न्यू मॉडल निकाला था पर वो जो ब्रांड न्यू मॉडल था उसकी इतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही थी तो जो जेरोस की मैनेजमेंट है उन्होंने जाके जाके चेक करा कि कि इतनी ज़्यादा सेल्स क्यों नहीं हो रही तब पता लगा कि जो सेल्स टीम है उनका ब्रांड न्यू मॉडल पे इतना ज़्यादा कमीशन नहीं था मेरा जो पुराना प्रोडक्ट था उस पर बहुत ज्यादा कमीशन था इस वजह से इंसेंटिव कॉस्ट बायस वर्ल्ड में चलते ही रहते हैं यहां पे अगर हम फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की दुनिया में बात करें तो बार बार जैसे हमने देखा कि कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स बार बार हमें हर दो तीन साल में एक कोई यहाँ तो फ्रॉड बाहर निकलते हुए दिखते हैं या तो हमें तो कोई एक एक ऐसा इश्यू बाहर निकलते हुए -बड़ा बहुत, बड़ा बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग भी बन जाता है इंसेंटिव कॉज बायस ह्यूमन uh, नेचर का एक इंट्रेंसिक पार्ट है तो एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में भी इससे बच कर रहना चाहिए क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं तो इंसेंटिव कॉस्ट बायस उनके नेचर में होएगा ही होएगा विद दिस विल गेट इनटू द वीडियो तो आज हम जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है इसका डिस्कशन करेंगे अगर हम इंडिया में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो आई थिंक टू से माइक्रो फाइनेंस इंडिया में किसी फॉर्म में तो रही है पर ट्वेंटी से अगर एफ uh, तक देखते हैं तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो टोटल बेसिकली लोन्स का पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट 4600 करोड़ से, आज 2020 पे ऑलमोस्ट 28,900 करोड़ के आसपास आए, एंड माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली एज एन इंडस्ट्री टू से किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट जरूर कर रही है आई थिंक जो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस थी जो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस एन बी एफ सी थी उसका आई थिंक ट्वेंटी टेन के अंदर आईपीओ आया था बाय द नेम ऑफ एसके एस माइक्रो फाइनेंस एंड इस कंपनी के अंदर जो जॉर्ज सोरोस है उन्होंने भी इन्वेस्ट करा था एंड अपार्ट फ्रॉम जॉर्ज सोरोस जो नारायण मूर्ति है उन्होंने भी इन्वेस्ट करा था एंड इस कंपनी में क्या एक इंटरेस्टिंग चीज हुई क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको सारे के सारे रिस्क बताऊंगा इस सेक्टर में इस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई थी 2010 में कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में इवन दो स्टॉक मार्केट में इसका आईपीओ काफी अच्छा करे इसके माइक्रो फाइनेंस का बट ट्वेंटी लाइक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में तो वहां पर उस टाइम पे जो आ, फार्मर्स थे बहुत ज्यादा जो आ, वहां पे रिपोर्ट आने लगी सुसाइड की सुसाइड क्यों हो रहा था क्योंकि वो फार्मर्स एक डेथ ट्रैप के अंदर फंस गए थे

तो इन्फो इनकम जनरेशन लोन्स आर अगर हम बैंक्स और एन को देखें तो जो प्रायोरिटी सेक्टर के क्लाइंट्स होते हैं जैसे जो डेली वेज अर्नर है जिसके पास जिसको बहुत स्मॉल टिकट लोन की रिक्वायरमेंट है सपोज बेसिकली अ डेरी फार्मर या तो सपोज कहते हैं अगर बेसिकली वेजिटेबल वेंडर या सब्जियां बेचते हैं या तो सपोज कहते हैं ये ड्राइवर ट्रक या तो जो ट्रांसपोर्टेशन uh, का काम करते हैं तो उसको स्मॉल टिकट लोन ईजिली नहीं मिलते बैंक और एनबीएफसी से क्योंकि उसकी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज है तो यहाँ पे इनकम जनरेशन लोन्स का पूरा इंटायर पर्पज आता है तो जो मा, जो माइक्रो फाइनेंस एन बी एफ सी है जो इनकी अनमेट नीड है क्रेडिट की इनको पूरा कर रही है इस टाइम पे एंड यहां पे इनका लोन डिसबर्स करने का क्या बिजनेस मॉडल है तो ये जो लोन डिसबर्समेंट होती है समझते हैं तो आई थिंक ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के दो मॉडल्स होते हैं एक तो इंडिविजुअल मॉडल होता है जहां पे जो इंडिविजुअल है उसकी खुद की म्यूचुअल गारंटी होती है वो पूरे ग्रुप की गारंटी नहीं लेता सेकेंड होता है डेट बोरोज एज यूनिट तो यहां पे यूजअली क्या होता है कि बेसिकली फोर टू टेन इंडिविजुअल्स होते हैं विच कम टुगेदर टू अवेल अ बैंक लोन और अ लोन फ्रॉम एन बी एफ सी माने चार से दस लोग इकट्ठे होके एक पूरा एक, पूरा ग्रुप बनता है जो यहाँ पे लोन लेते हैं एंड uh, जो भी जो भी मेम्बर्स हैं इनकी ज्वाइंट अंडरटेकिंग होती है एंड अनलाइक एस एच जीज जो uh, जो जॉइंट लाइब्रिलिटी ग्रुप्स है इज सिंपल विद नो विद नो एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द ग्रुप एंड यहां की, की गारंटी भी होती है अगर ग्रुप में चार से दस लोगों में से किसी ने यहां पे डिफॉल्ट कर दिया तो पूरा जो ग्रुप है उस लोन को पूरा करने की कोशिश करता है तो इनका प्राइमरी जो, जो जो इस, इस इस तो चलता है पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट मॉडल इंडस्ट्री जाते अ ग्रुप जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री ज्यादा जा रही है बट हिस्टोरिकली यहां पर आज हम जिस कंपनी

And इस का कि अगर छोटे बंदे को फाइनेंस दिया जाए तो वो पैसा जरूर टाइम पे वापस करते हिस्ट्री को देखते अगर हम अरमान फाइनेंस की हिस्ट्री को देखते हैं है, तो अरमान फाइनेंस नाइनटी टू में थी। इस इस्टा, थी, उस टाइम पे एक होलसेल एनबीएफसी थी होलसेल एनबीएफसी क्या होती है जो जो ज्यादातर चंकी लोन्स देती है पर 1995 में इन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांजिशन करा टुवर्ड्स रिटेल एनबीएफसी रिटेल एनबीएफसी क्या होती है जो जितना भी रिटेल क्रेडिट है या फिर जि, जि, जिनका भी जैसे टू व्हीलर का रिक्वायरमेंट है अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं जो जो कंज्यूमर लोन्स देते हैं तो उसको हम ज्यादातर रिटेल लोन्स कहते हैं तो यहाँ पे जो जो

एफ आई फोर्टीन के अंदर क्या हुआ आई थिंक आफ्टर फाइव ईयर्स ऑफ बेसिकली एंटरिंग माइक्रो फाइनेंस फाइनली जो माइक्रो फाइनेंस का एयूएम था उसने जो टू जो व्हीलर का एयूएम था उसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया एंड यहाँ पे एक, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इनकी हिस्ट्री के अंदर कि एक जो प्राइवेट इक्विटी है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करती है उन्होंने इसकी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करा दिस वॉज अ डेवलपमेंट विच एपन इन द कंपनी एंड एफ आई सिक्स टू सेवनटीन के बीच में आई थिंक एफ आई एटीन के आसपास कंपनी ने जो एम एस एम ई लोन है उनके अंदर भी एंटर करा टिकट साइज ऑलमोस्ट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव थाउजें के बीच में रहते हैं तो अगर हम कंपनी की स्ट्रेटेजी देखते हैं आई थिंक मैं आपको ये स्ट्रैटेजी यहां पर क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक uh, जब हम इसकी बात करेंगे कि, हम इनका कंपेरिजन करेंगे पीएर्स के साथ तब हमें एक्चुअली पता लग पाएगा कि क्या मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है एंड मैं आपको फर्स्ट टाइम आई थिंक चैनल पर यह सिखा रहा हूँ कि मैनेजमेंट की कंजर्वेटिनेस कैसे देखते हैं To financials, I think आपको YouTube पे किसी ने नहीं सिखाया का। तो when it comes to the strategy of the business, तो पहली strategy क्या है कि इनका idea क्या है कि they will stick to small and granular loans। माने जिनका ticket size twenty thousand rupees से one lakh fifty thousand के बीच में रहेगा। Second इनकी strategy क्या है कि इनका जो target segment है, that is self-employed and cash income to in, जो भी जो भी informal segment है उनके अंदर। थर्ड की स्ट्रैटेजी क्या है कि जो हाई जो हाई यील्ड प्रोडक्ट्स है उनके अंदर ज्यादा फोकस रहेगा जहां पे 20 परसेंट से ज्यादा यील्ड कमा लेते हैं एंड जो फोर्थ की स्ट्रैटेजी के आई थिंक जिस पे पूरी कंपनी बिल्ड है दैट इज स्ट्रिंजेंट अंडर राइटिंग एंड लास्ट टू की स्ट्रेटेजी क्या है कि इनकी कलेक्शन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रोबस्ट है एंड ये कंपनी एम्स टू डिलीवर थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट का ट्री सीखना है तो हमने अपनी आई बैंक की जो वीडियो है कुड बी द नेक्स्ट सी बैंक उसके अंदर हमने सिखाया है पर वीडियो में आगे जाने से पहले इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स एंड साथ साथ आई थिंक ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर को हम लोग जो एस ओ सी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वार्टली रिजल्ट का भी एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें वील बी कवरिंग मोर देन ट्वेंटी कंपनीज एंड उस वेबिनार uh, के अंदर वी विल भी ऑल्सो सींग की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं फाइनेशियल में रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करना है एल्कोहल इंडस्ट्री में रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करना है फार्मा में कैसे करते हैं केमिकल्स में कैसे करते हैं एंड uh, जो कंज्यूमर सेक्टर है उसके अंदर कैसे करते है. different, different हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या चीजें सीखनी होती हैं सो दोस्तों दैट इज अ वेबिनार विच वी आर डूइंग ऑन ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर वि इज अ पार्ट ऑफ दी एस वाई सी में आपको सेपरेटली रजिस्टर करना है लिंक इज इक्रिप्शन के अगर हम इस टाइम पे प्रमोटर की बात करते हैं तो इनके जो इस टाइम पे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनका नाम है आलोक पटेल एंड आलोक पटेल ने आई थिंक अपनी स्कूलिंग जो लॉरेंस स्कूल है वहां से कंप्लीट करी थी एंड टू टू थाउजेंड टेन के अंदर टू इंडिया एंड जब ये इंडिया में वापस आए तो ये वॉज ऑलरेडी अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट माने जो इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट होता है यूएस के अंदर उसको सी कहते हैं

अभी भी हम किसी बैंक या एनबीएफसी की बात करते हैं तो इनका बिजनेस क्या रहता है तो जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था ICICI बैंक की, तो बैंक और एनबीएफसी क्या होती है कि इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है बट इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म जो एसेट्स और जो लाइबिलिटी है उनको मिला है एंड इसके ऊपर जो मैनेजमेंट है वो बैठती है

उस पे आऊंगा एंड फिर लास्ट में जो लाइबिलिटी साइड है उस पे आऊंगा तो एसेट साइड में जो मैनेजमेंट का जो का इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है यहाँ पे मेनली चार प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम पे तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है माइक्रो फाइनेंस का आज एयूएम का एसेट अंडर मैनेजमेंट का सेवेंटी नाइन परसेंट माइक्रो फाइनेंस है

में 10% से ज्यादा फर्क नहीं हो सकता तो यहाँ पे प्राइसिंग कैप लगा हुआ है एंड यहाँ पे अगर हम एक और चीज चेक करते हैं इस 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 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर तो यहाँ पे इनका जो डिस्बर्समेंट है 100% कैशलेस है एंड इनकी कलेक्शन इनके जो कैश सेंटर्स है उनके ऊपर वहाँ वहां पे होती है और टेन्योर यहां पे लोन का 18 टू 24 मंथ्स का है सेकंड लोन इनके यहां पे एमएसएमई लोन से है। यहाँ पे ये फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज के आसपास का लोन देते हैं एंड यहाँ पे भी हंड्रेड परसेंट कैशलेस डिस्बर्सल है पर यहाँ पे यील्ड इनकी थर्टी टू थर्टी टू परसेंट के आसपास है फिर इनके जो टू व्हीलर लोन्स है जो इनका जो इनका बिजनेस पहले लेगेसी होता था वो है यहाँ पे वो इस टाइम पे सिक्स परसेंट ऑफ द बुक है एंड यहाँ पे ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास यील्ड है फिर लास्ट इनका बिजनेस है जो इस टाइम पे इनक्यूबेट करने की कोशिश कर रहे हैं इज रूरल टू व्हीलर लोन्स तो यहाँ पे अभी ये सिर्फ वन के आसपास है एंड इट इज करेंटली इट इज करेंटली अंडर अंडर द द पायलट स्टेज अगर हम यहाँ पे इनके जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उनका एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो यहाँ पे इनके पास ऑलमोस्ट uh, इनका जो टिकट साइज है थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का जैसे हमने बात करी एंड इन जो ज, जिन लोगों को ये लोन देते हैं ज्यादातर जो लाइफ स्टॉक है उसके अंदर काम करते हैं जो ज, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के, सा, के, सा, के साथ एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज है उसके अंदर जो जो किराना की दुकान है उसके अंदर एंड जो डेयरी फार्मर्स है उनको लोन देते हैं इस टाइम पे सेवन स्टेट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं एंड इस टाइम पे 204 हंड्रेड एंड फोर एम एफ आई ब्रांचेज है एंड थ्री पॉइंट वन लाख कस्टमर्स के आसपास है अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इनकी रूरल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तो एटी फाइव परसेंट लोन पोर्टफोलियो इनका जो रूरल एंड सेमी अर्बन पोर्टफोलियो है वहाँ पे है अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि एम इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे 43 परसेंट पोर्टफोलियो उनका जो 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 रूरल एरिया है उनके अंदर है एंड जो अर्बन एरिया के अंदर है वहाँ पे एन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है एसिड क्वालिटी इश्यूज़ ज़्यादा है तो ज़्यादातर ये जो अनुमान का स्ट्रैटी है एम के अंदर डैट इज़ टू बेसिकली स्टिक टू रूरल एरियाज़ इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनका जो इनका फ्रेमवर्क देते देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट का तो 100% परसेंट कैशलेस कैशलेस डिसबर्समेंट होती है एंड जो जॉइंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप है उनके थ्रू ही लैंड करते हैं एंड यहाँ पे आई थिंक ये जो बिजनेस है यहाँ पे कलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कलेक्शन के लिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कलेक्शन में अगर आप इनकी कॉल्स भी पढ़ेंगे तो इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस कलेक्शन के ऊपर रहता है सेकेंड जो यहाँ पे इनका मेन पोर्टफोलियो था वो था वो था एम का अब एम के अंदर ये अनसिक्योर्ड लोन है बट एम के अंदर इनकी जो यील्ड है माने जो इनका मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर दैट इज हायर आई थिंक इनका यहाँ पे जो यील्ड है थर्टी फोर परसेंट के आसपास है मेरा जो नेट इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास है तो यहाँ पे इनकी जो पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी है सबसे ज्यादा है एंड इस टाइम पे थ्री स्टेट्स के अंदर ये एमएसएमई के अंदर गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एंड महाराष्ट्र के अंदर तो ये तो दो इनके की फैक्टर्स हैं अगर हम टोटल ओवरऑल इंडिया में इनकी प्रेजेंस देखते हैं इस टाइम पे तो इनकी टू थर्टी नाइन ब्रांचेस हैं थ्री पॉइंट सेवन फाइव लाख एंड इन टर्म्स ऑफ जोग्रफी में वो आज गिर के, के आसपास आ गए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सेवनटीन परसेंट से ट्वेंटी सेवन परसेंट के आसपास गए तो इनके जो टॉप जो इनके टॉप सेवन ये सेवन स्टेट्स में है तो वहाँ पे इक्वली इस टाइम पे ऑलमोस्ट इनका जो या जो एयूएम है वो या, वो यहाँ पे स्प्लिट हो रखा है अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर क्या खराब हो सकता है एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के क्या खराब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो यहाँ पे जो 2.2 कैपिटल के एक जो एक जो पी एम एस है वो यहाँ पे दो लोग हैं डेट इज सवी जैन एंड मिस्टर अमित मंत्री तो आई थिंक इनके जो फॉरेंसिक चेक्स हैं काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो यहाँ पे हम एक ट्विटर का थ्रेड पढ़ते हैं एंड ये हमें बताएंगे कि एक्चुअली में इस इंडस्ट्री के अंदर क्या खराब है एंड क्या नहीं होना चाहिए पे हम ट्विटर थ्रेड पे देखते हैं तो यहां पे बंधन बैंक की इन्होंने बात करी है एंड बंधन बैंक का इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि इट हैज द वर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम एफ आई बिजनेस पहली की वर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है लार्ज जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन इन स्टेट्स विद वीक कलेक्शंस माने इनका बंधन बैंक का आई थिंक बंगाल एंड असम में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एंड वहाँ पे एक थोड़े टाइम से पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत रहा है एंड वहाँ पे जो कलेक्शन है लोन्स की वो काफ़ी कम रही है कलेक्शंस का क्या फॉर्मूला होता है बहुत ईजी है आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जो आपका डिनोमिनेटर है आपकी कितनी कितनी ज़्यादा जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग है बेसिकली इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल है अपॉन कितना आपने रिसीव करा है सपोज करते हैं आपके हंड्रेड रुपीज आउटस्टैंडिंग है अगर आपने 98 रुपीज रिसीव करे, तो आपकी कलेक्शन एट परसेंट है सपोज हंड्रेड रुपीजेंडिंग रिसीव करें तो आपकी कलेक्शनसीसेंट वापस आया ही नहीं तो सिमिलरली बंधन बैंक के केस में जो ये दो स्टेट है यहां पे कलेक्शन एफिशियंसी वीक रही है एंड यहां का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है जैसे हमने अरमान के केस में देखा था, आज शायद से जो गुजरात है, वह, वहीं पे सबसे ज्यादा इनका कंसंट्रेशन है, डेट इस 27 परसेंट। सेकेंड की वी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे कि अल्ट्रा हाई टिकट साइज, अल्ट्रा हाई टिकट साइज माने एक लोन का कितना टिकट साइज है?

राइट जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि आपने किसी से लोन ले रखा है बट आप उस लोन को वापस नहीं कर पा रहे तो जिससे आपने लोन ले रखा है जो आपका लेंडर है तो लेंडर आपको आके कहता है कुछ नहीं होता अगर देखो इस टाइम पे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है अगर तूने हंड्रेड रुपीज मुझसे बोरो कर रखे है तो मुझसे फोर्टी रुपीज और ले ले राइट right? एंड अगर तेरी इनकम वापस बन जाती है तो आप मेरे को आप मेरे को वापस पे बैक कर देना पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है टॉप अप लोन्स में कि इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस माने ये भी हो सकता है कि आप हंड्रेड रुपीज आपका लोन आउटस्टैंडिंग है पर जो आपका लेंडर है वही आपको आके हंड्रेड रुपीज देता है एंड आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है आप जो जो आपको सेकेंड अडिशन जो सेकंड एडिशनल इंस्टॉलमेंट मिली है टॉप अप लोन की आप उसी से इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट है वापस रीपे करते हैं तो इसको हम फाइनेंस की दुनिया में ये भी कहते हैं एक्सटेंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर ग्रीनिंग ऑफ लोन तो यहाँ पे एक हमेशा ये रिस्क जरूर रहता है क्या बंधन में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे बताना काफी मुश्किल रहता है बट मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट जरूर बताऊंगा तो अगर हम बंधन बैंक का कंपैरिजन करते हैं तो बंधन बैंक का अगर हम जो हम जो एमएफआई इंडस्ट्री है उसके साथ कंपेयर करते हैं अगर ग्रोथ देखते हैं एमएफ आई लोन एसेट्स में तो एमएफआई इंडस्ट्री की थर्ड क्वार्टर ऑफ एफ आई ट्वेंटी वन में टेन परसेंट थी बंधन बैंक की थर्टी टू परसेंट थी सेकेंड क्वार्टर में ट्वेंटी सेवन परसेंट थी वीर बंधन बैंक की अगर हम एवरेज लोन की जो जो टिकट साइज है उसको अगर हम चेक करते हैं तो एवरेज लोन का टिकट साइज भी सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज के आसपास है तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि बंधन बैंक का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है माने उन्होंने कितना पैसा कलेक्ट करा एंड बंगाल से तो एटी एट टू नाइनटी परसेंट के आसपास थी मेरा पूरी इंडस्ट्री का जो कलेक्शन एफिशिएंसी एफिशिएंसी था वो सिक्सटी परसेंट के आसपास इन दो स्टेट से तो इसका मतलब एक ही है आई थिंक इन लाइक हाउ आई एम थिंकिंग ऑफ इट कि आपने जो आपने ऑलरेडी लोन दे रखा था आपको उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं आई पर आपने टॉप अप लोन दे के जो पुरानी लोन की पेमेंट थी वो मंगा ली जिसकी वजह से आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू दी इंटायर इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे आई थिंक जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है

आर यू डूंग टॉप अप लोन्स तो इनका आंसर था कि आई थिंक एज फार एज जो जितनी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंसर्न है तो काफी सारी इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे टॉप अप लोन्स कर रही है फंडामेंटली वी वर अगेंस्ट इट राइट तो हाउ एवर आई कैन सी वाई सम अदर एमएफ आईज आर डूइंग इट बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ दिस कस्टमर्स माइट नीड अ लिटिल बेट ऑफ कैश बट वीव वी हैव नेवर बीन बिग फैन्स ऑफ टॉप ऑफ लोन्स कंसिडरिंग दैट यू माइट एवर बीन योर ओन पोर्टफोलियो सेकेंडली अगर यहाँ पे एक और हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं की में तो यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट ने बोला है ऑनेस्टली आई कैन नॉट कमेंट ऑन द नंबर और हु इज एक्चुअली डूइंग इट हाउ एवर इट इज नॉट अ बिग सीक्रेट आई थिंक कंपनीज आर डूइंग इट देर आर टॉप अप लोन्स आउट देर एंड देर आर नेट ऑफ लोन्स आउट देर Another way to increase your repayment rate is just to start disbursing a lot of money because on static pool your repayment might be down, but whatever new portfolio you are creating, obviously that will be assuming a higher repayment. तो यहाँ पे simple words में मैं क्या समझा रहे हैं, suppose कहते, uh, suppose in terms of static pool, बहुत simple term में अगर आप मेरे साथ समझोगे, कि आपके जो पुराने borrowers हैं, अगर आप एक time limitation में देखते हो कि टू मंथ्स में आपको इतना ज्यादा ई आना चाहिए था पर क्योंकि अब वो पुराने बोरोर्स हैं क्योंकि वो कोविड से इस टाइम पे जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहां पर आपकी जो रीपेमेंट रेट है वो कम हो सकती है क्योंकि इनकी जो इनकम है वो इन्फ्लेंस हुई है पर आपने क्या करा बहुत तेजी से और अग्रेसिव बहुत ज्यादा अग्रेसिवली से जो न्यू लोन्स है उनको डिसबर्स कर दिया तो इससे क्या हुआ क्योंकि आपने बहुत ज्यादा तेजी और अग्रेसिवली से न्यू लोन डिसबर्स करे तो आपका जो न्यू पोर्टफोलियो है वहां पर आपकी जो रीपेमेंट रेट है वो फिर भी ज्यादा है तो ऑन एन एवरेज जो आपका रीपेमेंट जो रेट रहता है वो फिर वो, फिर वो वो एक्चुअली कंपेयर टू जो जो ओल्ड वन है उससे फिर भी ज्यादा दिखेगा जो आपका जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक बोलता तो यहां पे ये भी एक एक क्लेवरनेस है जो इस इंडस्ट्री के अंदर हो सकती है मैं आपको ये सब समझा के रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट तब समझ आती है कि जब वो कुछ नहीं करती एज कंपेयर टू

अगर आप उसको प्रोविजन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स है वो आते हैं जिस बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशियो ज्यादा अच्छी है एक्चुअली में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है जितने भी जीएनपीएस हैं, उनके लिए उनके लिए जो, जो, जो प्रोविजन है वो ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं तो पे पे उस टाइम क्या हुआ था वो जीवन स्मॉल बैंक के जो इनका पोर्टफोलियो एट रिस्क था वो उस टाइम पे 30 40 परसेंट से भी ऊपर था माने सिंपल वर्ड्स में इनका पोर्टफोलियो एट रिस्क काफी ज्यादा था जिन जिन लोगों को इन्होंने लोन दे रखे थे एंड इन्होंने उसकी प्रोविजनिंग ठीक से नहीं करी अंडर प्रोवाइड करा उसके लिए जिस वजह से क्वार्टर वन ऑफ एफ आई ट्वेंटी टू में इनकी प्रोविजनिंग और एलिवेट करी एंड क्वार्टर टू ऑफ एफ आई ट्वेंटी टू में इनका कल ही रिजल्ट आया एंड उस रिजल्ट के अंदर यह पता लगा कि कंपनी एक्चुअली टर्न इन लॉस मेकिंग क्योंकि प्रोविजनिंग और भी ज्यादा एलिवेट हुई वेराज अगर हम अरमान फाइनेंस के केस में देखते हैं तो अरमान फाइनेंस की मैनेजमेंट ने फर्स्ट थ्री क्वार्टर्स के अंदर ही जब कोविड स्ट्राइक हुआ आई थिंक क्वार्टर फोर ऑफ एफ आई में तभी उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें प्रोविजनिंग काफी अग्रेसिवली करनी पड़ेगी उन्हें काफी ज्यादा अग्रेसिव जो बहुत ज्यादा जो काफी ज्यादा अग्रेसिवली राइट ऑफ्स लिए एंड आई थिंक पूरे पोर्टफोलियो का आई थिंक ट्वेल्व के आसपास इस टाइम पर प्रोविजनिंग हो रखी है एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी मैनेजमेंट में कि आई थिंक दिस वॉज ओनली मैनेजमेंट माइक्रो फाइनेंस स्पेस ने जिसने बोला कि एज कंपेयर टू डी मोनिटाइजेशन कोविड विल बी अ वर्स इवेंट माने कोविड की वजह से जो क्रेडिट लॉस होएगा कंपनीज को वो वो, का, वो काफी ज्यादा गंदा आएगा एंड ऑलमोस्ट सेवन परसेंट के आसपास क्रेडिट जो जो क्रेडिट लॉस हो सकता है वो हो सकता है तो पूरी इंडस्ट्री उस टाइम पे नहीं अग्री कर रही थी बट अब हम जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट देख रहे हैं हमें पता लग रहा है कि एक्चुअली में अरमान फाइनेंस की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी एंड अगले एक क्वार्टर की प्रोविजनिंग के बाद इनका पूरा क्लीन स्लेट होएगा इनको बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी तो इनके पास वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी बाकी बैंक्स में क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली जो हम जो

जो टॉप अप लोन्स हैं वो दिए गए एंड सेकेंडली यहाँ पे एक, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी कि यहाँ पे भी बंधन बैंक की तरह जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी माने जो जो रीपेमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दी इंडस्ट्री तो इसका मतलब क्या था कि जो टॉप अप लोन्स थे अगेन उसका जो सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है कि शायद से वहाँ पर एवर हो रही थी अभी हमें पता नहीं हो रही थी नहीं हो रही थी पर शायद से उसका इंप्लीकेशन यही रहता है तो ये भी एक सेकंड की केस स्टडी है एंड यहाँ पे जो रिसेंटली एमडीए उन्होंने भी रिजाइन करा है क्योंकि आई थिंक जो प्रमोटर्स है उनके बीच में इशू चल रहे हैं एंड इस बैंक के अंदर लास्ट थ्री इयर्स में काफी ज्यादा टॉप मैनेजमेंट के अंदर चढ़ना आए व्हाट नॉट टू डू बैंकिंग में एंड फाइनेंस में आपको ये सारी केस स्टडीज अपने पास लिख लेनी चाहिए फाइनली वी हैव द केस स्टडी ऑफ इंडस एंड बैंक एंड यहाँ पे भी इनके पास एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो एसके माइक्रो फाइनेंस जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम

अगर हम अरमान की मैनेजमेंट की कंजर्वेटिवनेस देखते हैं तो पहला पॉइंट ऑफ कंजर्वेटिवनेस कहां से आता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन तो वहां पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इनको काफी ज्यादा क्रेडिट लॉसेस हुए थे मानने इनके लोन्स काफी ज्यादा खराब हुए थे उस टाइम पे अरमान फाइनेंशियल को भी जो क्रेडिट लॉस हुआ था वो फोर टू फोर के बीच में ही था वेराज इंटायर इंडस्ट्री का जो क्रेडिट लॉस था डेट वॉज अबव फाइव के आसपास से सेकेंड की एरिया ऑफ कंजर्वेटिवनेस क्या आता है जहां पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फेल कर गया कि जो प्रोविजनिंग एंड जो राइट ऑफ है अगर कुछ खराब हो रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्टेड अप फ्रंट अब उसको डिले नहीं कर सकते तो यहां पे मैनेजमेंट हमेशा काफी प्रूडेंट रही है इन चीजों को एक्सेप्ट करने में तो यहां पे अगर हम एक की डेटा पॉइंट देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इनका जो प्रोविजंस एंड राइट ऑफ थे एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट परसेंट के आसपास थे टू पॉइंट नाइन परसेंट के आसपास थे माने काफी ज्यादा अग्रेसिव प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ थी एफ आई ट्वेंटी में जब फिर uh, में प्रॉब्लम हुई तो टू पॉइंट फोर परसेंट केसपास थे एंड एफ आई ट्वेंटी वन में ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट के आसपास जो बुक है उसके अगेंस्ट प्रोवाइड कर दिया इन्होंने

तो नेक्स्ट थ्री क्वार्टर्स तक आपको उनमें पेन ही पेन दिखेगी सेकेंडली अगर हम अरमान फाइनेंशियल के केस में या किसी भी बैंक्स के केस में देखेंगे तो रिटर्न ऑन एसिड ट्री की हमने बात करी थी अब मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस करूं क्योंकि हम थीसिस और एंटी थीसिस पॉइंटर्स की के टूवर्ड्स आ रहे तो रिटर्न ऑन एसिड ट्री हमें क्या बताता है कि सबसे पहले ऊपर आपका बैंक में क्या आते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिर आपकी नॉन इंटरेस्ट इनकम आती है जो आपकी विच इज इक्वल टू योर टोटल इनकम टोटल इनकम के बाद आपका ओपेक्स आता है माने ओपेक्स जो आपका एम्प्लॉइज पे खर्चा है पावर पे खर्चा है इसके बाद आपके कॉस्ट आते हैं जो आपका क्रेडिट कॉस्ट हो गया ये सारी चीजें आती है इसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स आते हैं फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है एंड यहाँ पे आपके पास जो की uh, दो रेशियोज हैं जो बेसिकली uh, uh, सा, सारे एनालिस्ट देखते हैं उसको कितने अच्छे से यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या लीवर्स होते हैं तीन चार लीवर्स ही होते हैं यहाँ तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो घटा दे माने जो उनका ओपेक्स है जो उनका खर्चा है बिजनेस चलाने का वो घटते जाए वो अरमान के केस में नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी काफी रखा है सेकेंड की क्राइटेरिया uh, क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाए माने आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए पे आपकी जो यील्ड है है वो बहुत ज़्यादा थर्ड की क्राइटेरिया क्या होता है की uh, आप अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं कंजर्वेटिवली रन कर रहे हैं आपका रिटर्न ऑन इक्विटी क्रॉस साइकिल 20-25 परसेंट या 26 परसेंट के आसपास है उसी को लेके आप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे हम एक बार वन बफिट की एक वीडियो देखते हैं कि वो हमें इक्विटी के बारे में क्या बताते हैं कि फाइनेंशियल कंपनीज में कैसे यूज होती है you know in a two or three year period absolutely yeah we we trudged around and and we found we found some very oddball banks that we liked uh, and they were characterized by uh, by very little risk on the asset side and very cheap money on the deposit side and even charlie and i can understand that uh, and 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 low prices incidentally too and then they passed the bank holding company act in 1969 and and they killed off our chances to do anything further in buying all of banks. So we look at banks. We will own bank <coughs> stocks from time to time in the future. We'll probably buy stock in other banks. And we've also seen all kinds of banks ruined. Uh, I think it was, uh, what was the fellow, M.A. Shapiro, uh, 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 who came up with the uh, statement. He said, there are more banks than bankers. And if you think about that a bit, you'll see what I mean. Uh, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वॉन बफेट हमें क्या समझा रहे हैं सपोज करते हैं एक बैंक की जो टोटल इक्विटी है फिफ्टीन रुपीज है वेराज जो उसकी बोरविंग है मैंने अगर सपोज कहते हैं बैंक इज लेवरेज बाय नाइन एक्स तो बोरविंग उसकी वन थर्टी फाइव रुपीज के आसपास की है तो और उस टाइम पे इस टाइम पे उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है पैट बैंक का थ्री रुपीज के आसपास है तो उस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आएगा एज सिंपल एज डेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी तो ट्वेंटी परसेंट के आसपास थ्री डिवाइड बाई फिफ्टी रूपीज तो यहां पे क्या आएगा कि ये जो थ्री रुपीज आपने कमाए जो अगले साल की इक्विटी है उसके अंदर जाके ऐड हो जाएंगे एंड इसकी वजह से अगर आप फिर ट्वेंटी परसेंट अगर आप उस पर कमाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका पैट उतने से बढ़ेगा बैंकिंग जैसे बिजनेस के अंदर आपकी कंपाउंडिंग स्टेरॉइड्स पे होती है अनलेस और अन यू डू समथिंग फूलिश इट टेक्स अ फूल टू फेल अ बैंक क्योंकि यहां पे अगर आप शॉर्ट टर्म पेन लेने तो लॉन्ग टर्म गेन बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रह जाती है इंडिया में अगर आपको बैंकिंग लाइसेंस मिल रहा है तो डेट इज एक्चुअली लाइसेंस टू प्रिंट पनी इस वजह से वॉन बफेट बार बार हमें एक चीज समझाते हैं कि देर आर बेसिकली देर आर टू मेनी बैंक बट नॉट टू मेनी बैंक कि बैंक्स तो बहुत ज्यादा हैं बट एक्चुअली में प्रॉपर बैंकर्स इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म पेन लेने का कभी मतलब ही नहीं समझ आता अब हम अरमान की जो लाइबिलिटी है एक बार ही उसको देखते हैं अभी तक हमने हमने एसेट साइड साइड देखी फिर जो मैनेजमेंट अच्छे से वो देखी अब जो लाइबिलिटी साइड है उसकी तरफ आते हैं लाइबिलिटी साइड में यहां पे अगर हम बैंक अगर हम अरमान का एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कंपेयर करते हैं तो इनका ये मिसमैच पॉजिटिव इन ऑल द बकेट्स तो यहाँ पे कोई भी एसेट कोई कोई भी भी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं है इनके जो जो एसेट्स का टेन्योर है वो इनके जो 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 बेसिकली इनके जो लाइबिलिटीज का टेन्योर है उससे काफी कम है तो इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती एसेट लाइबिलिटी मिसमैच में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है सपोज करते हैं मैं एक लेंडर हूं मैंने जिनसे फंड्स बोरो कर रखे मैं, हैं मैंने फंड्स बोरो करें टू मंथ्स के लिए एंड आगे मैंने लोन दे दिया फाइव ईयर्स के लिए पर क्या हुआ कि जो तो, जो जिनसे मैंने टू मंथ्स के लिए बॉरो करा है काफी बारी मैं उसको रोल ओवर कर देता हूं पर जिनसे मैंने टू मंथ्स के लिए बॉरो करा है वो मेरे को एक दिन आके कहते हैं कि मेरे को अपना पैसा चाहिए ही चाहिए बट मैंने आगे लोन फाइव ईयर्स के लिए दे रखा है दिस लीड्स टू तो एन एसेट लाइबिलिटी मिस तो जो जो इस, तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटी साइड है यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे भी ये कवर्ड है कमिंग टू थीसिस थी थीसिस पॉइंटर्स एंड वैल्यूशन ऑफ द बिजनेस तो पहला थीसिस पॉइंटर क्या है कि अगर सिक्लिकल अपटेक आता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर तो एक्चुअली में ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी में जब सिक्लिकल अपटेक आया था तो अरमान फाइनेंशियल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो ट्वेंटी नाइन परसेंट और ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास आ गया था

लोन की उसको बंद कर देते हैं जिसकी वजह से हमें इक्विटी जो आरओई है थोड़ी सी डिप्रेस दिखती है क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर एक्सेस लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं तो जैसे जैसे वो लिक्विडिटी निकलते जाएगी तो इनका आरओई वापस 25 से 30 परसेंट के आसपास जा सकते हैं एक सिक्लिकल अपटेक के अंदर सेकंड की थीसिस पॉइंटर यहां पे क्या है सेकंड की थीसिस पॉइंटर इज सुपर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जैसे मैंने आपके साथ बात करी थर्ड की थीसिस पॉइंटर क्या है यहां पे कि आरबीआई बेसिकली आरबीआई प्राइसिंग कैप रिमूवल तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड एंड जो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, तो इनके यहाँ पे जो स्प्रेड्स हैं वो 10 परसेंट पे कैप्ड हैं कि आप इससे ऊपर स्प्रेड्स नहीं कमा सकते एंड यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और बैंक के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है एम एफ आई एस के अंदर रिसेंटली आरबीआई का एक वाइट पेपर आया है जिसमें यह बात करी जा रही है कि जो आपकी इंटरेस्ट रेट कैपिंग है इसको हटा दिया जाएगा अगर रातों रात अगर ये हट गई तो इनके जो मार्जिन काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं एंड एक्चुअली में इंटरेस्ट को ज्यादा अच्छे से बेसिकली रिस्क को ये ज्यादा अच्छे से प्राइस भी कर पाएंगे तो ये यहाँ पे एक ऑप्शनैलिटी है थीसिस के अंदर और यहाँ पे क्या क्या क्या, बेसिकली थीसिस पॉइंटर है एक थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या है कि दिस बिकम्स इनटू अ प्रॉपर मल्टी लाइनर एनबीएफसी मल्टी लाइनर एनबीएफसी का क्या मतलब है कि ऑलरेडी ये जो टू व्हीलर लोन है वो अच्छे से कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस लोन अच्छे से कर रहे हैं एंड साथ जो एमएसएमई एस एम अच्छे से कर रहे हैं पर यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है यहाँ पे इन्होंने काफी बार कॉन कॉल्स में हिंट भी दिए एंड काफी बार एनुअल रिपोर्ट्स में भी हिंट दिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो मतलब एपटस और आवास फाइनेंसियर्स करते हैं फाइनेंसियन टू ट्वेंटी लाख रुपीज टिकट के लोन देते हैं घर के लिए उसके अंदर भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि इट्स एन

एंड लास्ट की एंटीथी है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि किसी भी के अंदर जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा बहुत एक स्केल पे अगर वो अनाउंस हो जाए कि जो भी लोन्स हैं इस इस एरिया के, इस एरिया के के वेव ऑफ हो रहे हैं तो अगर अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी बिग एंटी थी हम इस बिजनेस की वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन के अंदर काफी सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जो डीप वैल्यू डीप कॉन्टेरियन गाइज हैं वो इस कंपनी को तब खरीदने की कोशिश करेंगे जब कोई

इस बुक वैल्यू पर शेयर के अंदर इन्होंने इन्होंने के लिए भी ले रखा है तो उसको हम काउंट भी नहीं कर रहे तो इनका बुक वैल्यू पर शेयर फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड रुपीज के बीच में हो सकता है एंड यहां का मिलता है तो अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल फोर टू फोर पॉइंट फाइव टाइम्स का मिले तो आई थिंक स्टॉक प्राइस एक्चुअली में सेवनटीन टू एटीन हंड्रेड रुपीज के आसपास का हो सकता है टू थ्री इस डाउन द लाइन में दिस रफ वैल्यूएशन जो काफी ज्यादा रफ है एंड आप भी इसके इसके ऊपर अपने खुद की जो है कि आपको क्या लगता है कि कितनी बुक वैल्यू में ग्रोथ आएगी तो आप उसको देख सकते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेक्शन वीडियो से टॉप थ्री की लर्निंग्स क्या थी जय हिंद